आईटीआई शिवपुरी में मेले का आयोजन किया गया। मेले में कई कंपनियों के साथ आईसेक्ट संस्था ने भी सहभागिता की। आईसेक्ट ने अपनी टाइप कंपनी के लिए मेले में उम्मीदवारों का प्रोविजनली चयन किया एवं उन्हें प्रोविजनली ऑफर लेटर प्रदान किया गया। चयनित उम्मीदवारों का बाद में कंपनी द्वारा स्क्रीनिंग कर स्थायी रूप से अप्रेंटिसशिप स्कीम अंतर्गत चयन किया जाएगा। अप्रेंटिस मेले में आईसेक्ट शिवपुरी के काउंटर पर उम्मीदवारों की काफ़ी भीड़ देखी गई। मेले के अंत तक लगभग 50 से अधिक उम्मीदवारों का प्रोविजनली चयन किया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज गवर्नमेंट आईटीआई में रोजगार मेला लगाया गया था, सर इसके बारे में ज़रा बताइए। आज जो है पूरे एमपी में अप्रेंटिस का रोजगार मेला लगाया गया था, जिसमें जो है शिवपुरी में सिर्फ एक ही कंपनी थी, लेकिन और भी कंपनियां हमको ऊपर से भेजी गई, जैसे आईसेक्ट आ गई और इसके अलावा यशस्वी अकाडमी जो है उनके द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिए गए। हमारे यहाँ मतलब टोटल 300 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे ऑनलाइन, इसमें से आईसेक्ट में लगभग 50 बच्चे उपस्थित हुए और हमारे पास जो विभिन्न कंपनियाँ जो थी उसमें जो है 60 बच्चे रजिस्टर्ड हुए। अभी उनके द्वारा लिस्ट जारी नहीं की गई है कितने बच्चों का प्रारंभिक चयन किया गया है, उनके द्वारा बताया गया है कि एक दो दिन के अंदर वो सूची जारी कर देंगे कितने बच्चों का प्रारंभिक चयन किया है, उसके बाद में कितने बच्चे वो रखेंगे। उसमें कुछ बच्चे अप्रेंटिस में जाएंगे और कुछ बच्चों को रोजगार दिया जाएगा जो डायरेक्ट नौकरी रहेगी। उसमें मेरे ख्याल से लगभग 10,000 से और 15,000 के बीच में उनको सैलरी वो दे रहे हैं। सर, इसमें कुछ ट्रेड के आधार पर भी कुछ जॉब हैं? हाँ, इसमें ट्रेड के आधार पर भी हैं, लेकिन आखिरी में उनने सभी ट्रेडों के जो है बच्चे कॉल कई किए थे। उसमें कोपा भी थे, इलेक्ट्रिशियन भी थे, मोटर भी थे, डीजल भी थे, फिटर के बच्चे भी थे, सारे ट्रेडों के बच्चे थे लगभग। सर, जिन्होंने बिना आईटीआई किए हुए तो वो भी अपना ये फॉर्म भर सकते हैं? हाँ, भर सकते थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।